आज कोरबा में रैली करेंगी कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी। 12:30 बजे बीजेपी पर गरजेंगी कांग्रेस नेता। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट भी होंगे शामिल। लोकसभा चुनाव के लिए हुंकार भरेंगे अमित शाह। आज आएंगे सीतापुर। अमित शाह बड़ी जनसभा को करेंगे संबोधित। चुनाव के लिए बिहार में पसीना बहा रही बीजेपी। दूसरी बार जेपी नड्डा का बिहार दौरा। अररिया और मुजफ्फरपुर में करेंगे जनसभा। लोकसभा चुनाव के लिए बीएसपी ने जारी की 11वीं लिस्ट। केसरगंज से नरेंद्र पांडे को बनाया उम्मीदवार। मानहानि मामले में राहुल गांधी की पेशी आज। गृह मंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी करने का मामला। लंबी छुट्टियों की आलोचना पर छलका जस्टिस बीआर गवई का दर्द। बोले वेकेशन तो क्या, जजों की वीकेंड पर भी नहीं होती छुट्टी। अजमेर लोकसभा क्षेत्र के एक पोलिंग बूथ पर आज दोबारा वोटिंग। 7:00 बजे से 6:00 बजे तक होगा पुनर्मतदान। हाजीपुर लोकसभा सीट से आज चिराग पासवान करेंगे नामांकन। पर्चा भरने से पहले जनता से की खास अपील। आज आगरा की रैली को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। राजनाथ सिंह भी संभालेंगे मोर्चा। मायावती 3 मई को भरेंगी हुंकार। तेलंगाना में गर्मी की वजह से चुनाव आयोग ने बढ़ाया वोटिंग टाइम। 7:00 से 6:00 बजे तक होगा मतदान। सिंध में जबरन हो रहा हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन। पाकिस्तानी सीनेट सदस्य दानिश कुमार पलियानी ने किया दावा। भारी बारिश के कारण चीन हुआ बेहाल। राजमार्ग ढहने से 36 लोगों की मौत, 30 अन्य घायल। न्यूयॉर्क में पुलिस ने कोलंबिया विश्वविद्यालय पर परिसर कराया खाली। 300 छात्रों को किया गिरफ्तार। यूएन से जताई चिंता। टैक्स ना देने वालों के खिलाफ पाकिस्तान की कड़ी कार्रवाई। 5 लाख लोगों का ब्लॉक किया सिम कार्ड। अब समंदर से चीन मचाएगा तहलका। फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर का किया परीक्षण। अमेरिका को दी खुली चुनौती। देश में लगातार बढ़ रही है बिजली खपत। अप्रैल में 11% बढ़कर 144.89 अरब यूनिट। विदेशी निवेशकों ने लगातार 2 महीने के निवेश के बाद बेचे इक्विटी। अप्रैल में 8,600 करोड़ रुपए के बेचे शेयर। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरे घरों की तलाश कर रहे हैं लोग। आवासीय संपत्तियों की मजबूत मांग का मिल रहा संकेत। महंगा हो सकता है हवाई सफर। तेल कंपनियों ने बढ़ाई ATF की दरें। GST ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। अप्रैल में 2 लाख करोड़ से ज्यादा हुआ कलेक्शन।